हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा वीडियो क्लास 10 का केमिस्ट्री का होगा। मैं आज चैप्टर 3 शुरू करने वाला था, पर मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो करा देता हूँ, फिर हम लोग चैप्टर 3 की तरफ आगे मूव करेंगे। तो ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चंस मैं बार बार कहता हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं इसका मतलब आपके पूरे टॉपिक अच्छे से कवर अप हो गए हैं। तो हम शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है पोटेशियम आयोडाइड का और लेड नाइट्रेट का, ठीक है। जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा फॉर्म हुआ है लेड आयोडाइड, ठीक है, और कह रहा कि इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, अगर मान लीजिए कि पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट में अगर आपके पास लेड नाइट्रेट नहीं है, देन उसके बाद आप इन चारों में से किसका यूज करोगे कि आपका जो प्रेसिपिटेट है वो येलो कलर का लेड आयोडाइड हो। तो यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला कि आपके पास पोटेशियम आयोडाइड आपको लेना है, ये आपके पास है, आपको किसे रिप्लेस करना है, लेड नाइट्रेट को रिप्लेस करना है, ठीक है, और ये देगा क्या, येलो कलर का बनेगा लेड आयोडाइड, ठीक है। अब आप देखिए कि आपको ये कंपाउंड बनाना है, ठीक है, अगर आपको ये कंपाउंड बनाना है इसका मतलब लेड का कोई ना कोई कंपाउंड होना कंपलसरी है। अगर लेड का कंपाउंड नहीं लोगे तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ एक्शन करके वो लेड कंपाउंड नहीं बनाएगा, तो लेड कंपाउंड तो मस्ट है। इसका मतलब इस चारों में से देखिए कि लेड कंपाउंड कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में लेड कंपाउंड है, सी और डी में लेड कंपाउंड नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। बचा क्या, ए और बी। अब हम ए और बी में से कौन सा लेंगे, याद रखिएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने कहा था आपसे कि वहां पे क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होता है। आयंस एक्सचेंज होने के लिए क्या होगा कि जैसे ही आप उसे एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करोगे दे फॉर्म आयंस, और जब तक वो आयंस अगर फॉर्म नहीं करेगा तब तक वो अपने एक दूसरे के मतलब एक्सचेंज करके कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। तो अगर मैं ए वाला कंपाउंड लेता हूँ लेड सल्फेट, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इनसॉल्युबल। अगर वो इनसॉल्युबल है तो क्या वो आयंस फॉर्म करेगा, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। तो बचा क्या, लेड एसीटेट, क्योंकि ये याद रखिएगा कि लेड एसीटेट में लेड एसीटेट जब डिसोसिएट करता है तो ये Pb2+ और एसीटेट माइनस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो इस कारण से हम कंपाउंड बी लेते हैं। एक चीज और आपको मैंने बताया था जब मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था कि हमारा एक मतलब जब हम दो सॉल्युबल सब्सटेंस को मिक्स करते हैं एक इनसॉल्युबल और एक सॉल्युबल कंपाउंड बनता है। तो आप अगर मान लीजिए अगर लेड सल्फेट लेते हो तो ऑलरेडी वो इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल को सॉल्युबल में डिजॉल्व करोगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं, तो इसलिए मतलब ये कंपाउंड आपका फॉर्म करेगा ही नहीं, क्योंकि ये डिसोसिएट करेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, कभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का डिसोसिएशन होना चाहिए। आयंस डिसोसिएशन होकर के जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा उसका एक कटायन तो चाहिए ही चाहिए, यहाँ से तो अनायन आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इस दोनों का कोई भी कंपाउंड लोगे तो ना इसमें लेड है ना इसमें लेड है, तो आपका पॉजिटिव वाला आयंस फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछता है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखोगे। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कहता है कि कोई एक कंपाउंड है एक्स जिसका कि पीएच है 7, ठीक है, और जिसका हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इट्स एसिडिफाइड सॉल्यूशन अंडरगो डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस वाई एंड जेड। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप उस एक्स को जब आप डिकम्पोजिशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आपको पता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरीके का होता है, 3, कौन कौन सा, थर्मल, फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रिकल। और मैंने कहा था कि जब अगर डिकम्पोजिशन हीट के प्रेजेंस में होगा, मतलब आप किसी चीज को डिसोसिएट करने के लिए कंपाउंड को आप अगर हीट का यूज करते हो तो हम उसे कहते थे थर्मल डिकम्पोजिशन, और अगर हम लाइट का यूज करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं कंपाउंड को डिसोसिएट करने के लिए, तो उसे क्या कहते थे, फोटो डिकम्पोजिशन।
और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते थे तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन इज, अभी मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 3 में, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन सबसे ज्यादा यूज होता है मेटलर्जी में। किसी भी अल्कली मेटल्स को या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को अगर हमें अलग करना है ओर से, अगर हमें प्योर मेटल चाहिए तो हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जनरली कैथोड एनोड होता है, वहां पे जो आपका नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस होगा वो कैथोड पे जाएगा, एनोड पे जाएगा, एनोड वाला कैथोड पे जाएगा। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपने क्लास 8 में केमिकल इफेक्ट वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। तो हमें बस ये देखना है कि जो हमारा कंपाउंड एक्स है उसका हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस वाई एंड जेड। तो चलिए, मेरे पास कंपाउंड एक्स है जिसको हम डिकम्पोज करते हैं तो हमें वाई एंड जेड मिलता है। किसके प्रेजेंस में डिकम्पोज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, द वॉल्यूम ऑफ वाई इज डबल देन जेड, मतलब जो आपका वॉल्यूम होगा वाई का वो जेड से क्या होगा, डबल होगा। मतलब इसका मतलब बाय वॉल्यूम जो कंपाउंड एक्स डिकम्पोज किया है उसका रेशियो क्या है, 2:1 है। और ये आपको पता होना चाहिए, ड्रिंकिंग के लिए हम यूज करते हैं वाटर का, और वाटर को जब आप डिकम्पोज करते हो तो ये बनता है 2H2+O2। देखिए, बाय वॉल्यूम हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2, और हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 1, 2:1 बाय वॉल्यूम है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो हमारा कंपाउंड एक्स था वो था वाटर, जो कंपाउंड वाई था वो था हाइड्रोजन, जो कंपाउंड जेड था वो था ऑक्सीजन। ठीक है, तो और यहाँ पे नीचे लाइन लिखा हुआ है, तो ये जो आप समझ जाओगे तो जरूरत नहीं है, वाई इज हाईली कम्बस्टाइल, जेड इज सपोर्टर ऑफ कम्बस्टन। सपोर्टर ऑफ कम्बस्टन में हम किसका यूज करते हैं, बिना ऑक्सीजन के कम्बस्टन हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो अगर हमारे पास अगर हम ऑक्सीजन नहीं देंगे तो कोई भी सब्सटेंस कम्बस्टन नहीं करेगा। तो उसके लिए ऑलवेज रिमेम्बर, कम्बस्टन जब भी होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, तो इसका मतलब जो हमारा जेड होगा वो ऑक्सीजन होगा, और हमारा जो वाई है कम्बस्टाइल सब्सटेंस में, हाइड्रोजन क्या होता है, कम्बस्टाइल सब्सटेंस में होता है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो है, ये दोनों क्वेश्चन देखिए कुछ नहीं था, बट अगर आपके पास इसमें से थोड़ी सी भी कॉन्सेप्ट की कमी है तो आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो होप आपको ये चीज आपको समझ में आएगी। लास्ट क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, आप खुद से ट्राई करना, बस मैं इसके बारे में बता देता हूं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा कि एक रेडिश ब्राउन वेसल है डेवलप अ ग्रीन कलर सॉलिड एक्स व्हेन लेफ्ट अपॉन इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट H2SO4 इट फॉर्म्स अ ब्लू कलर सॉल्यूशन अलोंग विद ब्रिक्स इवेपोरेट्स due to colorless and odorless gas jet. X decomposed to form black colored oxide, what is reddish brown metal along with jet. ठीक है, मतलब कह रहा कि हमारे पास कोई भी ग्रीन कलर सॉलिड है जिसको कि हम अगर ओपन एयर में फॉर लॉन्ग टाइम छोड़ते हैं, और व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट H2SO4 इट फॉर्म्स ब्लू कलर सॉल्यूशन अलोंग विद द ब्रिक्स इवेपोरेंस ड्यू टू द कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस जेट। आपको ब्रिक्स इवेपोरेंस ड्यू टू कलर्ड एंड ऑडरलेस गैस जेट, ये ऑलवेज याद रखिएगा, अगर ब्रिक इवेपोरेंस कहां भी कहीं भी लिखा होता है इसका मतलब वो कंपाउंड जो है हमारा वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और अगर आप सब्सटेंस को हीट करते हो, रिएक्ट विद एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो, और अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, मतलब वो कंपाउंड निश्चित ही क्या रहा होगा आपका, वो कंपाउंड रहा होगा क्या कहते हैं, जो कार्बोनेट रहा होगा। ठीक है, उसके बाद एक और हिंट मैं देता हूं, ब्लैक कलर्ड ऑक्साइड, ब्लैक कलर्ड ऑक्साइड कहने का मतलब वो कंपाउंड निश्चित ही कॉपर ऑक्साइड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहां भी गैस जेट फॉर्म हो रहा है ना, तो गैस जेट मैंने बता दिया, तो मैंने आपको वाई बता दिया और जेड बता दिया, अब आपको एक्स बताना है, और पूरे रिएक्शन का आपको एक्स वाई जेड बताना है। ठीक है, जिस दिन भी मेरा आपका जो वीडियो होगा, जो आपका जिस दिन वीडियो मेरा जाएगा, उस दिन जब ग्रुप खुलेगा उसमें आपको इसका आंसर आपको भेजना है, ये आपका हो गया होमवर्क। और जो इसका आंसर सही से बिना चेकिंग के देगा उसे मैं ग्रुप में
ये करूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है, मैंने हिंट दे दिया, वाई है, जेड है, एक्स नहीं पता, सारे केमिकल रिएक्शंस लिखने हैं और सारे चीज को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आओगे। ऐसे क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद के अगर नॉलेज को अगर जज करना है, इन टाइप्स के क्वेश्चंस को कीजिए, जहां से मिले, जहां से भी आपको क्वेश्चन मिले आप जरूर कीजिए, ठीक है। होप आपको ये समझ में आएगी, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू।